आप देख रहे हैं LG News 24/7 जो हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। आइए डालते हैं आज की ब्रेकिंग खबर पर एक नजर। फिर एक बार NGO और महिला मंडल के नाम पर एक खातून को परेशान किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक यास्मीन नामी खातून जो अपने ससुराल और शौहर वालों की हरासनी का शिकार होकर अपने वालिदैन के पास 3 साल से रह रही है, उसको उसके शौहर और एक खातून जिसका नाम सीमा है जो अपने आप को महिला मंडल की वर्कर बता रही है, वो खातून को खुला लेने को मजबूर कर रही है। लेकिन जब ये खातून ने खुला या तलाक लेने से मना किए, सीमा नामी खातून ने ऐसे ही झूठे पेपर्स तैयार कर दिए और उसके शौहर से पैसे लेकर खुला हो गया कह दिया। लेकिन यास्मीन का कहना है इन्होंने अभी तक अपने शौहर को खुला नहीं दिया। आए दिन शहर में ऐसे वाकयात में इजाफा होते जा रहा है। चंद NGOs और महिला मंडलों गरीब और मजबूर आवाम को परेशान कर रही हैं। मेरा नाम यास्मीन बेगम है, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद फिरदौस है। क्या रहते हैं मानो? तालाब कटे में रहते हैं, उन्होंने भी वहाँ पर रहते हैं। घर रूम किराए से लिए, बोले किराए से भी लिए और खर्चा भी नहीं दे रहे, किराए खाने पीने भी नहीं ला रहे। 3 बच्चे रहे और उनके अम्मी बहनों के पास ही रह रहे, उन्होंने किराया भी नहीं दिया, घर खाली कर दिए। वो एक मैडम है सीमा मैडम मेरा मंडल के, उन्होंने सियानामा पे वो खुला कर दिया, वो कर दिया बोल के बोल रहे। PS में भी गए, कुछ भी करे क्या भी नहीं बोल के खुला कर दिया, बोल के सजा कर दिया। आप कहाँ पे अभी? आप अपने शौहर के साथ कितने वक्त से साथ नहीं है आपके शौहर के? 2 साल से नहीं है। 2 साल से आपसे कोई मतलब उनके साथ? उसे पुलिस स्टेशन में केस चला आपका? घांसी बाजार वुमेन्स PS में। तो क्या बोले वहाँ पे? घांसी बाजार में करे वो पेपर कोर्ट में चले गए बोले। अच्छा, वहाँ पर भी बॉन्ड पेपर बने रख लेते, साथ में रख लेते बोल के बोले, फिर लाके छोड़ दिया, अम्मी का लाके छोड़े, फिर आना नहीं जाना नहीं खर्चा नहीं कुछ भी नहीं क्या भी नहीं। तो वो सीमा मैडम कहाँ मिले आप लोगों? वो उन्होंने गए थे, उन्होंने फोन करके बुलाए। कौन? वो सीमा मैडम ही। ऐसा आपके शौहर को ऐसा 15 लाख रुपए मंग रहे कहते ना, वो ऐसा टॉर्चर कर रहे कहते ना बोल के उन्होंने बोले। तो नहीं, हम खाली ऐसा बात कर रहे थे, अब आते बोल के आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे, वो तो नहीं सुधर रहे कुछ भी नहीं, खाली ऐसे करके बोल रहे बोल के। तो क्या हुआ फिर अब आपके साथ? कुछ भी नहीं, वो खुला दे दिए, सहना कर दिया, पैसे दे दिया, मैं 1 लाख रुपए बच्चों का खर्चा दे दिया बोल के बोल रहे हैं। पे आप सह रहे हैं खुला के? नहीं, आपको मालूम ही नहीं है? आप 3 रोज से सियानामा है आपके पास? हाँ, ये मेरा है, मेरे पास ही है। खाली उन्होंने बोल के ऐसा सहना ले लिया, वो ले लिया, खुला दे दिया बोल के बोल रहे। आपके घर करें नहीं करे? तो आपके हस्बैंड किसके सामने बोल रहे हैं खुला दे दिया? सीमा मैडम। तो सीमा मैडम क्या बोल रहे हैं आपको? उन्होंने खुला कर दिया ना, हो गया सब हो गया बोल के बोल रहे। मगर आप करे नहीं? नहीं नहीं करे। ये कौन है सीमा मैडम? वो याकूपुरे के, याकूपुरे के। अच्छा, क्या है उन्होंने मतलब? याकूपुरे में एक ऑफिस है, वहाँ पर बैठ के बुलाए थे उन्होंने, तो गए थे महिला मंडल के है। अच्छा ठीक है, अभी आप पुलिस और हुकूमत से क्या चाह रहे? इंसाफ होना चाहिए। क्या इंसाफ होना? शौहर साथ में रहना, हम आपको अच्छा देख लेना, बच्चे है 3 बच्चे आपको। शादी हुआ कितने साल हो रहा? 9 साल हो रहा। चाह रहे थे खुला लेना? नहीं, चाह रहे थे। या आपके शौहर चाह रहे थे तलाक देना? उन्होंने बोल रहे सब छोड़ दिया, मैं कर दिया, मैं हो गया, मेरा सब हो गया बोल के बोल रहे थे फिर। अच्छा, कितने साल से बोल रहे थे फिर ऐसा? अब ये 2-4 दिन से बोल रहे ऐसा। अच्छा, तो कितने दिन से अलग है आप लोग? अब ये छोड़ के भी 2 साल से अलग ही है, ये बच्ची की डिलीवरी। हाँ, ये बच्ची का टाइम भी सोना भेज दिए, सो भेज दिए, खर्चे निकाल दिए, खाली उनके अम्मी भाई नाका नहीं चला रहे, घर किराए से भी लिए बोले किराए से भी लिए और खर्चा भी नहीं दे रहे कुछ भी नहीं, खाली वहाँ पर उनके अम्मी भाई नाकन खाला है। सामान आपका? ये अम्मी के पास ही। 2 साल से यहाँ पर ही है? अम्मी के पास ही। तो आपको खुला हुआ सुन मालूम? नहीं, इंतजार में ऐसा आ जाते, सकल आते बोल के बोल रहे तो ना ऐसा हो पाया, मतलब धोखे से खुला हुआ ही। तो आपके घर के ऊपर कौन भेजे थे पहलवानों को? सीमा मैडम ही भेजे। किसको भेजे? वो एक 3-4 जेंट्स थे। क्या बोले लागे? क्या बोले? आप रहना चाह रहे क्या उनका सोना? उनके कंकर कहते, पैकेट कहते, फोन कहते, वो लिए कहते ना लिए रखे, यहाँ पे रखे तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो नहीं बात करता हूँ बोल के बोल रहे थे। उन्होंने सोहेल बोल के नाम था उनका, उन्होंने आके बोल रहे थे। तो सहना करो बोले आपको पेपर पे? सहना करो वो करो, वो तो नहीं करती बोली, नहीं करता बोल रहे। वो सामान रखे तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ बोल के बोले थे। अभी आपके शौहर का ये मानना है कि आपका उनका खुला होगा? हाँ। और आपका कहना ये है कि कोई इस तरह की कोई चीज नहीं हुई? आपको क्या कार्रवाई हुई है आपकी? कहाँ से? पुलिस से कुछ भी कार्रवाई हुई? हाँ करे ना। क्या करे पुलिस वाले? करे बोले वो या उसमें कोर्ट में पेपर चलेगा बोले। FIR की कॉपी थी आपको? हाँ है। क्या पॉज करोगे? पॉज करो। हस्बैंड है मोहम्मद फिरदौस खान। आप
बताइए। ये एफआईआर का पेपर है, ये कल ऐसा कंप्लेंट आई और कब कराई है कंप्लेंट? ये 2021 में 25 तारीख को पांचवे महीने में दिसंबर में। हाँ ठीक, अभी आपका बोलने का मीडिया में आने का मकसद क्या है माँ? वो बोलिए। ये नो उनके ये बॉन्ड पेपर बनाए थे, रख लेता हूँ साथ घर पे ले जाके अच्छे से रख लेता हूँ, बीवी बच्चों को बोल के बोले थे। अभी ये सब छोड़ दिया नो, सीमा मैडम के पास गए। सीमा मैडम वो तो मेरे को टॉर्चर कर रहे, खुला दे दो, वो कर दो बोल रहे सीमा मैडम। हम मेरी मर्जी से तो नहीं हुआ ना। अभी ये सब छोड़ दिया नो, सीमा मैडम के पास गए। सीमा मैडम वो तो मेरे को टॉर्चर कर रहे, खुला दे दो, वो कर दो बोल रहे सीमा मैडम। हम मेरी मर्जी से तो नहीं हुआ ना, हमेशा और बोल रही खुला दे दिया, हमें पैसे दे दिया बोल के बोल रहे। आपको कुछ पैसे वैसे भी नहीं? कुछ भी नहीं दिए। आप कंप्लेन कराया है आपके साथ जो धोखे से खुला हुआ, आपका कंप्लेन कराया? हाँ कंप्लेन कराए, ये बोलने के बाद ये बॉन्ड पेपर बनाए। नहीं नहीं, आपके साथ अब जो धोखा हुआ उसके खिलाफ जो आपकी इजाजत के बगैर खुला हुआ, अब उसकी कंप्लेन कराए। अब जाने का है, अब जा रहे हैं वहाँ पे। आपकी तरफ से खुला नहीं? नहीं नहीं, मैं तो खुला नहीं थी। और कुछ पेपर भी नहीं है? कुछ सबूत नहीं है मेरे पास। आपके अवेलेबल है? हाँ सिया नामा सब है मेरे पास। आप शोहर के साथ रहना चाह रहे? हाँ रहना चाह रहे। कमिश्नर ऑफ पुलिस से क्या चाह रहे? महिला मंडल सीमा मैडम है, मेरे को इंसाफ चाहना है। और मैं तो खुला नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। नाम चांद पाशा है, ये मेरी भांजी है और इनका शौहर का झगड़ा चल रहा था। ये महिला मंडल, ये सीमा मैडम आके जिंदगी के पूरा खराब कर खुलासा दिए, दोनों का धोखे से खुलासा दिए। और इसके बाद बच्ची को मालूम नहीं, घर पे पहलवाना भेजे और घर पे आके सहना करो बोल के, हाँ सहना नहीं करी बच्ची हमारी। उसके बाद और सीमा मैडम भेजते जा रही और टॉर्चर करी और फोन में जो रिकॉर्डिंग करने लग गई उसको टॉर्चर करते जाके रिकॉर्डिंग फिट करते गई, फिट करके रिकॉर्डिंग सुनाते जा रहा। रिकॉर्डिंग हमारी बच्ची जिंदगी करना चाह रही है, ये हरकत कर रहा। 3 बच्चे है इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हाँ सीमा मैडम ऊपर केस होना है। ठीक है।